యుగమున కల్పతరువు నీడ నీవని కనులు తుడుచు కామధేను తోడు నీవని నిను కొనిచిన చాలు నమ్మ సకల లోక పావని భూమిని తడిపి దివిగా మలచి సుడులు తిరుగు శుభగాత్రి గంగోత్రి గంగోత్రి కలగల గల గంగోత్రి హిమగిరి దరి హరి పుత్రి కలగల గల గంగోత్రి హిమగిరి దరి హరి పుత్రి జీవన వాహిని పావని విష్ణు చరణమే తన పుట్టి నిల్లుగా శివగిరికి చేరిన సురగంగ నీవని అత్తింటికి సిరులను సగు అలకనందమై సగర కులము కాపాడిన భాగీరథివై బదలీ మన ఋషికేశ హరిద్వార ప్రయాగముల మణికర్ణిక తన లోపల వెలసిన శ్రీ వారణాసి గంగోత్రి గంగోత్రి मेरे घर में एक नई जिंदगी आई है इसलिए तुझे बख्श देता हूं। कह दे अपने सरदार से भाग। ये देखा दूर दूर से लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई त्योहार हो। हमारे देश की यही समस्या है, मंदिर बना नहीं कि भिखारी पहुंच गए। और आज का दिन तो त्योहार से भी बड़ा है क्योंकि नीलकंठ जी की बेटी का नामकरण है, तो आ गए सब मुफ्त का खाना खाने। आ जाओ भैया आ जाओ। नी छेती कर आलसी कहीं की ना हो तो है? देखो जी बच्ची का चेहरा बिल्कुल हमारी मालकिन जैसा ही है ना। ध्यान से देखो इसकी आंखें और नाक तो एकदम मालिक पर गई हैं। ओहो क्या आप भी एकदम ध्यान से देखो, तुम्हें नहीं लगता इसकी आंखें और मुस्कुराहट एकदम मालकिन जैसी है? कहा तो मालिक पे गई हैं। नहीं तो मालकिन जैसी है। अरे नहीं ना। ओहो एक काम करो ना, इसके सिर के बाल छोटे छोटे दांत और पैरों के नाखून का डीएनए टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा किस पे गई है। पहले भी चार बच्चे पैदा हुए थे लेकिन वो मर गए, पता नहीं इसके नसीब में क्या लिखा है। भाई बाहर बैठा है ना, पंडित जी के सिर पे बैठ के इसकी कुंडली दिखा रहा है। तो बताइए पंडित जी, हाँ। उसका भाग्य क्या है? नीलकंठ बाबू जन्म कुंडली के हिसाब से उसका भविष्य उज्जवल है।
वो जहाँ भी जाएगी लक्ष्मी उसके साथ जाएगी। छह ग्रह नौवे दसवें और ग्यारहवें घर में है जो कि बहुत अच्छा है। चार ग्रह उसके लग्न में बैठे हैं जो शुभ कारक है। लग्न योग कारक का निरीक्षण करें तो पांचों लक्षणों से परिपूर्ण बच्ची आई है आपके घर में। इस बच्ची के आने से आपकी उम्र भी पहले से बढ़ गई है, पूरे 100 साल जिएंगे आप। दीदी 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 सुना पंडित जी क्या कह रहे हैं? वो की कह रहे हैं? मेरी बेटी उज्जवल भविष्य की है, उसके ऊपर हमेशा लक्ष्मी की कृपा रहेगी। जानती हो इसकी वजह से मेरी उम्र लंबी हो गई है, मैं अपनी पूरी जिंदगी जीऊंगा। मेरी लक्ष्मी, मेरी सोनपरी, तू तो ईश्वर का वरदान है मेरी बच्ची। लेकिन इसे बचाना होगा जल से। आपकी बाकी संतानों की तरह इस बच्ची के जीवन को 15 साल तक जल से खतरा है। मृत्यु किसी भी क्षण किसी भी रूप में इसकी जान ले लेगी, इसलिए 15 साल तक इसे पानी से दूर रखकर इसकी रक्षा करनी होगी। बस करो, मेरी सोनपरी, जिसका जन्म मेरी लंबी उम्र के लिए हुआ है, मैं उसकी मौत के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी एक विनती है, मेरी बेटी को पानी के खतरे से बचाने के लिए कोई उपाय बताइए पंडित जी। मैं तो सिर्फ एक पंडित हूँ, शास्त्रों का ज्ञान किस्मत नहीं बदल सकता। अगर आप किस्मत नहीं बदल सकते तो पंडित किस बात के? शांत हो जाइए, उपाय तो है। हालांकि हम कुंडली तो नहीं बदल सकते, पर इस कुंडली के दोष निवारण के लिए रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। तो बताइए पंडित जी, दान करना होगा, हवन करना होगा, यज्ञ करना होगा या आहुति देनी होगी? जो भी उपाय होगा मैं करूंगा। नहीं, ये इतना आसान नहीं है, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। परवाह नहीं, अगर इससे मेरी बच्ची को बचाया जा सकता है तो मैं कितना भी कष्ट और कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। पवित्र गंगा नदी का जन्म स्थान है गंगोत्री, ये हिमालय में स्थित है। इस बच्ची को 15 साल तक इसके हर जन्मदिन पर बिना किसी चूक के वहाँ ले जाकर स्नान करवाया जाए तो इस बच्ची की पूरी तरह से दोष मुक्ति हो सकती है और इसके जीवन को जल से कोई खतरा नहीं रहेगा और संपूर्ण आयु प्राप्त होगी इसे। पंडित जी, आपने मेरी बच्ची का जीवन बचाया है, इस उपकार के लिए मैं आभारी रहूंगा। साक्षात भगवान के रूप में आकर आपने इसे आशीर्वाद दिया है और जब आपने इसे जीवन दान दिया है तो इसका नाम भी आप ही देंगे। क्योंकि ये बच्ची जलदोष से पीड़ित है और साक्षात गंगा माता की कृपा से ही ये बच पाएगी, तो गंगोत्री ये नाम ही इसके लिए उत्तम होगा। पूजा के लिए फूल तो लेके आओ भाई, और तुम वहाँ खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? अरे ये क्या बात हुई, 2 साल की बच्ची के लिए आप लोग इतनी धूमधाम क्यों मचा रहे हो? ये धूमधाम तो कुछ भी नहीं है, जब वो स्कूल जाएगी, बालों में फूल लगाएगी, दुपट्टा डालेगी, हम तो हर मौके पे धूम मचाएंगे। और मैं क्या खड़ी खड़ी सोच के रही हो मेरी भतीजी को आशीर्वाद दो चेती? और मंदिर पढ़ो जी। अच्छा ले, मुझे दे इसको। नो नो नो, रोते नहीं है बेटा, चुप हो जा, किसी ने चिढ़ाया ना? क्या हुआ? ना ना ना, ये रो क्यों रही है? लाओ मुझे दो, मेरी बच्ची, मेरी सोनपरी। क्या हुआ मेरी बच्ची? मृत्यु किसी भी क्षण किसी भी रूप में इसकी जान ले लेगी। ए, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। शांत हो जा, रो नहीं, तेरा बाबा तुझे कुछ नहीं होने देगा। ये बच्चा किसका है?
मेरा है, इसका नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जैसा बाप वैसा बेटा, मेरी रोती बेटी को हंसा दिया। भगवान ने जैसे तुम्हें मेरे लिए भेजा है, वैसे ही इसे मेरी बेटी के लिए बनाया है। सुनो, आज से इसे यहीं छोड़ दो। जो भी खर्च होगा इसकी पढ़ाई लिखाई का वो मैं करूंगा, और शादी भी करवाऊंगा। नीलकंठ जी, ये हमारा इकलौता बेटा है। तो एक काम करते हैं, रोज सुबह तुम इसे अपने साथ ले आना और रात को वापस घर ले जाना, और ये गंगोत्री के सोने तक उसके साथ ही रहेगा। दिन भर ये खेलेगा कूदेगा, उसकी देखभाल करेगा। जैसा आप ठीक समझे। जरा अपनी बांसुरी तो बजाओ। ये बहुत अच्छा गाता भी है। हाँ, तो कुछ गा के सुनो। पर कौन सा गाना? वही चिड़िया वाला गाओ। हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग। नाउ यू लोग इंग्लिश एग्जामिनेशन में हाउ हाउ कितने कितने मार्क्स लाया, हम अभी यू को टेलिंग इज टेलिंग। सिद्धार्थ, वो खेत में पॉटी करिंग। आखिर खेत में क्यों, टॉयलेट में क्यों नहीं? स्कूल के नाम से उसे पॉटी क्यों आ जाती है? व्हाट इज द रीजन? जब जोर से लगेंगे तो क्या करेंगे? लोटा पकड़ेंगे, टॉयलेट में जाएंगे। उसकी तरह दारी मत कर, बैठ जा। हिलती डुलती रहती है गंगोत्री। गंगोत्री 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 यू खड़ी हो जाओ। दिस मार्क्स लाया है, देखो 220, बहुत बड़ा शून्य। सर, सर इंग्लिश के नाम से ही काम जाती हूँ, कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ। नेक्स्ट टाइम कर लूंगी सर। फर्स्ट टाइम नहीं है, पर इसे लास्ट टाइम जरूर बनाऊंगा। मेरी छड़ी कहाँ गई? रैंचो छड़ी लाओ। मिस शून्य मार्क्स, इधर आओ। कम यार, लास्ट टाइम बोला था नेक्स्ट टाइम, इस टाइम बोल रही हो एक और नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम दिया तो एक और लास्ट टाइम मांगोगी। हाथ ऊपर, दिस नेक्स्ट टाइम और लास्ट टाइम। टेक कन्फ्यूजन को फिनिश करूंगा। देखिए मास्टर जी, कोई जिला हो, कोई गांव हो, या इस देश का कोई भी स्कूल हो, स्टूडेंट अगर गलती करे तो टीचर को उन्हें सजा देने का हक है। लेकिन मेरे गांव में, मेरे स्कूल में गंगोत्री की किसी भी गलती पर या कम मार्क्स आने पर सजा उसे नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। What? हीरो गिरिया, गंगोत्री के हिस्से की मार तू खाएगा? All right. तुम हाथ निकालो, आउट जल्दी। क्यों बच्चों, उसको सजा मिलने पे तुम लोग ऐसे क्यों बैठे थे? आपने तो कहा था बुरा नहीं देखना चाहिए। चुप कर। A pen is mightier than the sword, इस मुहावरे का मीनिंग टेल। गा के बताऊं सर? सही सुर लगाना। आपकी इंग्लिश तो तलवार से भी खतरनाक है। साइलेंस साइलेंस, खामोश। Who laughing? Why laughing? बेंच पर स्टैंड हो जाओ, कुर्सी पर चढ़ जाओ, तुम नहीं सुधरोगे। गंगोत्री के लिए सिद्धार्थ ने कैसे चुपचाप मार खा ली ना? ये मार तो कुछ भी नहीं, सिद्धार्थ गंगोत्री के लिए कुछ भी सहन कर सकता है, क्योंकि उसकी जान गंगोत्री में ही तो बसती है। सिद्धार्थ, क्या है? हाथ जल रहा होगा ना? पानी में डाल दिया ना, अब ठंडा हो गया। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुमने मेरे लिए मार खाई। तुम्हारे लिए तो मैं इससे भी ज्यादा सह सकता हूँ। मेरे होते हुए अगर तुम्हें कोई हाथ भी लगाए तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर वो चाहे तुम्हारे घर वाले ही क्यों ना हो।
सुशीला भाभी, नरसिम्हा को नीलकंठ बाबू ने इसी वक्त बुलाया है। उन्हें बुलाकर लाती हूँ। नीलकंठ जी ने आपको फौरन बुलाया है। जानता हूँ। सुनो, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं आज के दिन तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहती हूँ। आज थोड़ा जल्दी आ जाओगे? जब कोई नौकरी पर जाता है तो उसे पता होता है वो कब लौटेगा, पर मैं लौटने की परवाह नहीं करता। दोपहर 12 बजे से पहले विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के बीच बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन के टेंडर डिवीजन इंजीनियर के ऑफिस में जमा करें। नमस्ते सर, आइए ना सर, कुर्सी पर बैठिए। टेंडर डालने के लिए बहुत से लोग आए हैं सर। इस जिले में नीलकंठ बाबू के खिलाफ टेंडर डालने की हिमाकत कौन करना चाहता है? हम सब तो यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि अगर आप टेंडर ना डालना चाहें तो ही हम डालें, वरना आपके खिलाफ जाने की हिम्मत कौन कर सकता है? इंजीनियर बाबू, अब तो टेंडर कंफर्म ना? टेंडर कंफर्म होने के लिए कम से कम दो तो डालने ही होंगे सर। मैं तुम्हें एक टेंडर और दूंगा, मेरी बहन के नाम का। ठीक है सर। नरसिम्हा, रुक जाओ। टेंडर जमा करने में 10 मिनट बाकी हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले तू, इस नीलकंठ से पंगा अच्छा नहीं होगा। बड़े बड़े डायलॉग मार के मुझे डलाता है। नीलकंठ तेले खिलाफ टेंडर मैं नहीं डालूंगा, ये काम मेरी तीसरी बीवी का भाई करेगा। एक्शन। ए! अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तेरा आखिरी कदम होगा। और अगला आधा कदम भी पीछे हटाया तेरा सर काट दूंगा। आगे बढ़। मेरे दोनों टेंडर जमा कर लो और मुंह धो के घर जाना, वरना तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। सुशीला जी, आप अपने पति के साथ 100 साल जिए और खुशहाल रहें। आप हमारे बच्चों को अपना बच्चा समझकर संगीत और नृत्य की शिक्षा देती हैं, वो भी बिना पैसों के। आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है? दीदी दीदी, नरसिम्हा ने नीलकंठ बाबू के कहने पर बप्पी बाबू के साले का पैर काट दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अपने मालिक के आगे वो अपने परिवार को भी भूल जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? आप उनकी रक्षा करना, मेरा ही नहीं हमारे इकलौते बच्चे का ख्याल भी आप हमेशा उनके दिल में रखना, उनकी रक्षा करना भगवान। सब लोग रेडी? रेडी। सबके हाथ में सिक्के हैं ना? हाँ। ओके, सब लोग सिक्के पटरी पर रखो। ट्रेन आ रही है, हटो हटो हटो, भागो भागो, पीछे हटो। अरे कहाँ गया मेरा सिक्का? मिल नहीं रहा। कहाँ गए सिक्के? हे
ये मिल गया। ए, ये मेरा सिक्का है। मेरा है। ए, ज्यादा होशियारी मत कर, एक तो मेरा सिक्का उठा लिया, ऊपर से झूठ बोलता है। मेरा सिक्का है ये, ये इसका रोज का काम है। सिक्का वापस कर, बोल रहा हूँ मेरा सिक्का है। क्या कर रहे हो, वापस कर। नहीं दूंगा, चला। ए, रुक जाओ सिद्धार्थ, रहने दो, शांत हो जाओ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ चाहो तो मेरा सिक्का ले लो। रुको, ए गंगा सुनो, गंगा सिद्धार्थ, गंगा ये क्यों किया? अबू जाकर अपनी बुआ से शिकायत कर देगी। टीचर, क्या हुआ बेटा? सिद्धार्थ ने गंगोत्री को पत्थर मार दिया। अरे बाप रे, गंगोत्री इस वक्त कहाँ है? गंगोत्री सीधा अपने घर चली गई। ए गंगा रुको, बात तो सुनो। अरे नीलकंठ बाबू की बिटिया को किसी ने मारा? मैं तो आँख मारने के लिए एक बार थप्पड़ खा चुका हूँ। वे खसमन खाने आ, वे तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू हमारे बाग से आम तोड़ेगा? मैं तो बस देख रहा था। तू फिर झूठ बोल गया है? मेरे आम पे नजर डाली ना तूने? ठहर जा, मैंने आपके आम पे नजर नहीं डाली। आया था मेरे आम देखने, अब किसी के भी नहीं देख पाएगा। हाय हाय, क्यों होया? क्यों हाय, कितना खून बह रहा है तेरा? छोटे हाय, छोटे छेतिया, हाय रब्बा, न किसी ने मारा तुझे? ये चोट कैसे लगी तुझे? क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही है। देखो तो, किसने मारा तुझे? किसने मारा, उसका नाम बता मुझे। जिसने भी तुझे चोट पहुंचाई है उसका नाम बता मुझे, बोलो। नरसिम्हा, जिसने भी मेरी प्यारी बच्ची का खून बहाया उसे काट डालो। बोल पुत्र बोल, नाम तो बता उसका, मैं उसके हाथ ही तोड़ दूंगी। बोल तो सही, बोल। मुझे बताओ बेटा। मैं स्कूल से घर आ रही थी। तो किसने मारा? नहीं मारा नहीं किसी ने, वो स्कूल की गेट से टकरा कर मैं गिर पड़ी। आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाई लगा देती हूँ। चलो जल्दी लेकर जाओ, दवा लगाओ। दीदी, उस गेट का क्या करें? ओए छोटे कबरा, आ तो उस गेट को तो मैं देख लूंगी। ओए कालू, व्हाट जिंदगी इज दिस? गेट भी खुद ही खोलो, रूम भी साफ करो और घंटा भी खुद ही बजाओ। टीचर इज नो यूज, काश ये दरवाजा ही नहीं होता। गाड़ियां इतनी तेज क्यों आ रही है? कोई कार रेस चल रही है क्या? आपने मेरे दिल की बात सुन ली, शादी के पहले सुन लेती। इस गेट से टकरा के गंगोत्री गिर पड़ी थी, इसलिए इसे उखाड़ दिया। और अगर स्कूल में गिर गई तो व्हाट होगा? तो एक बम से स्कूल को ही उड़ा दूंगी। हाँ गड्डी चला, स्कूल ही गिरा देगी, देन मेरा व्हाट होगा? गुड मॉर्निंग मास्टर जी, आपने गेट क्यों तोड़ दिया? अभी तो गेट ओनली गिरा है, आई यू से दया की भीख मांगता हूँ। अगर यू स्कूल में गिर गई तो योर फादर ये स्कूल ही गिरा देगा। अच्छा ऐसा है मास्टर जी, तो कल शाम को मैं आपके घर में गिर जाऊंगी। मास्टर जी, मास्टर जी, आपको पता है क्या? बेटा गंगोत्री के बाबा उसके लिए गाँव से खास ट्रेन शुरू कर रहे हैं। अगर ट्रेन नहीं चली तो वो लोग उसे भी बम से उड़ा देंगे। वो ट्रेन वैन चलेगी कल मास्टर जी। अरे बाप रे। सिद्धार्थ, हाँ अभी आया। नीलकंठ बाबू ने तो कमाल कर दिया, जिस स्टेशन पे माल गाड़ी नहीं रुकती थी वहाँ से तो एक्सप्रेस ट्रेन चालू कर दी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं किस्सा बताता हूँ। सुनाइए ना। नासा के साइंटिस्ट को यहाँ ले आए और धोया, बिना साबुन बिना सर्फ के धोया, क्योंकि उनकी नन्ही सी गंगोत्री को चांद पे जाना था। उस पर साइंटिस्ट ने कहा कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए तो चांद पर तो क्या, सांड पर भी जा सकती है। तो नीलकंठ जी ने उसके गर्दन पर तलवार रख दी और उसकी नीचे से छूट गई। ए लाउड स्पीकर। हाँ भैया, तो इस तरह आवर नीलकंठ बाबू ने होल गांव के लिए
पूजा करो। जी जरूर। गार्ड अंकल। हाँ बेटा। ये ट्रेन वापस कब आएगी? ये 7 राज्यों को पार करके 7 दिन बाद गंगोत्री पहुँचेगी और फिर यहाँ पर आएगी। इतने दिन तुम्हारी आंटी से दूर रहूंगा, मेरे फूटे कर्म। बच्चे लोग इधर आ जाओ, हम एक खेल खेलेंगे। जिन्हें हम प्यार करते हैं उनका नाम कागज पर लिखकर हम इस ट्रेन पर चिपकाएंगे। जब ट्रेन लौट कर आएगी तो जिसका कागज ट्रेन पर चिपका रहेगा उसी का प्यार सच्चा कहलाएगा। ओके रेडी? तो चलो। देखने दे। अरे हट जाओ ना। चुप हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कैसे? हम सबके पेपर तो उड़ गए, सिर्फ तुम्हारा कैसे बच गया? पवित्र विचार के साथ और पवित्र मन के साथ जो भी काम किए जाए उसे कायनात पूरा करती है, ऐसा मेरी माँ कहती है। बच्चा आज सुबह से इतना उदास क्यों है? कुछ खाया? गंगोत्री जोक सुनो। संता बंता से बोला तुम्हारा कुत्ता शेर लगता है, बंता बोला शेर ये प्यार के चक्कर में कुत्ता बन गया। अच्छा जोक था ना? अरे देखो मुन्ना बुरा मान गया। अरे मुन्ना, मुन्ना मुझे इतना मत भगाओ। मुन्ना, ए मुन्ना रुक जा। मुन्ना अरे रुक जाओ। गंगा मुन्ना, ए ए मुन्ना, मुन्ना मुन्ना आगे मत जा। मुन्ना गंगा, गंगा गंगोत्री कुएं में गिर गई है। मेरी बच्ची मृत्यु किसी भी क्षण किसी भी रूप में इसकी जान ले लेगी, इसलिए 15 साल तक इसे पानी से दूर रखकर इसकी रक्षा करनी होगी। गाड़ी तेज चलाओ, भगाओ। और तेज चलाओ। गंगा, गंगा, गंगा। गंगा, गंगा तुम ठीक तो हो? गंगा, गंगा मेरी बच्ची, क्या हुआ, कैसे हुआ? बाबा मुझे तो लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मेरा पांव फिसला और मैं कुएं में गिर पड़ी। जब मैं डूब रही थी तो सिद्धार्थ ने आकर मुझे बचाया, वरना मैं तो कभी। बेटा मेरी गंगोत्री को जरा से भी खरोंच लग जाए तो मेरी जान ही निकल जाती है। जानते हो अगर मेरी गंगोत्री ही नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मेरे बच्चे तू नहीं जानता, तूने इससे बचाकर सिर्फ एक ही जान नहीं बचाई है, 2 जिंदगियां बचाई हैं। इस उपकार के बदले अगर तू बड़ा होता तो मैं तेरे पैर छूता, भगवान होता तो तेरे आगे हाथ जोड़कर तेरी पूजा करता। अरे तेरा ये
एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आपने मुझे अपने दिल में जगह दे दी है काका, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? गंगोत्री के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। हमने जिनका नमक खाया उनके लिए जान दे देना हमारे वंश के खून में है। शाबाश, तू सही मायनों में मेरा बेटा है। सुनिए, क्या हुआ? मेरे बेटे को भी आप यही सब सिखाएंगे? अगर सिखाना ही है तो ये सिखाइए कि पढ़ाई करे, माँ बाप का, अपने देश का, अरे हम सबका नाम रोशन करने की कोशिश करे। मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह नीलकंठ जी की गुलामी करे। सुशीला, तुम ये भूल गई हो कि हमारी शादी के बाद नीलकंठ बाबू ने हमारी कितनी मदद की थी, हमें अपने परिवार की तरह समझा। उस बात के लिए हम उनके जिंदगी भर एहसान मंद रहेंगे। पहले आप मेरे ऊपर एक एहसान कीजिए। क्या? जरा अपना सर ऊपर कीजिए। मैं बैल हूँ क्या? मेरे गले में ये घंटी क्यों बांध रही हो? नंदी जैसे नीलकंठ की सेवा करते हैं, वैसे ही आप भी तो हमेशा नीलकंठ जी की सेवा में ही लगे रहते हैं। सो तो है। जब भी आप किसी को मारने के लिए अपना हाथ उठाएंगे, ये घंटी बज उठेगी, आपको मेरी और हमारे बेटे की हमेशा याद दिलाएगी। इसको साथ रखना, ये हमेशा आपको एहसास दिलाएगी कि हम आपसे प्यार करते हैं और घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते सर। कैश रेडी है क्या? 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है सर। वैसे हेड ऑफिस से पैसा मैनेजर 1 बजे तक लेकर आ ही जाएगा, मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, पटरी बनने के 6 महीने बाद तो तुमने चेक रेडी किया है। अब कैश नहीं देने के लिए नया बहाना बेवकूफ बना रहे हो? 1 बजे तक का वक्त दे दीजिए ना सर। उससे अगर 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो समझ लेना तुम्हारा पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। यस सर। नरसिम्हा जी मालिक, आज मेरी बहन का जन्मदिन है, मैं अगर समय पर घर नहीं पहुंचा तो वो खाना नहीं खाएगी, इसलिए चलता हूं। पैसे लेकर तुम घर आ जाना। मालिक, क्यों अकेले जा रहे हैं? तुम चिंता मत करो, कोई मेरी परछाई तक को छू नहीं सकता, तुम ख्याल रखना। बप्पी बापू कहाँ हो? कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। हमारा काम हो गया, मैंने उसे बहाना बनाकर डरका दिया। आज उसकी बहन का जन्मदिन है, इसीलिए वो यहाँ से अकेला ही चला गया। हमें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, मार दो उसे। वो अपनी बहन के जन्मदिन की दावत नहीं खा पाएगा, लेकिन उसकी प्याली बहन उसकी तेलवी का खाना खाएगी। बेस्ट ऑफ लक। मालिक के खिलाफ क्या साजिश कर रहा था तू? बता, बता मुझे। बताता हूँ, सब बताता हूँ, मुझे मत मारो। हेलो सुशीला, क्या हुआ? आप घबराए हुए क्यों हैं? नीलकंठ जी की जान को बहुत बड़ा खतरा है। गांव के पास तीसरे मिल के पत्थर पर बप्पी बापू के आदमी उन्हें मारने के लिए रुके हुए हैं। तुम जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें फौरन सावधान कर दो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हें ये करना होगा। मैं बहुत दूर हूं उनसे, वरना खुद चला जाता। सुशीला, नीलकंठ जी के बहुत एहसान है मुझ पर, इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है और तुम ही उनकी जान बचा सकती हो। कुछ करो सुशीला, जाकर बचाओ उन्हें, बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। ठीक है जी, मैं अभी वहां जाती हूँ।
ये सुशीला ही आ रही है ना, हाँ? गाड़ी तेज चलाओ। गाड़ी रोको, वहीं रुक जाइए, आगे मत आइए, रुको, गाड़ी रोको, रुकिए, आगे मत आइए, आपकी जान को खतरा है, वहीं रुक जाइए, रुकिए नीलकंठ बाबू, रुकिए, आपकी जान को खतरा है, वहीं रुक जाओ। माँ कहती थी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। मेरा हौसला तो मेरी माँ ही थी ना, अब तो माँ ही नहीं रही। नरसिम्हा, मेरे पति की जान बचाने के बदले में इस बेचारे ने अपनी माँ हमेशा के लिए खो दी। इसकी माँ चली गई पर इसके साथ मैं तो हूं ना, अगर मालिक की जान चली जाती तो हम सब अनाथ हो जाते। पर एक बात है जो मुझे खाई जा रही। वो क्या? आपकी जान बचाने का हक वो मुझसे छीन ले गई। अगर मैं ये कर पाता तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाता। उठ, चल अब यहाँ से, चल। वो रहने दीजिए ना थोड़ी देर। मौत वाले घर में रुकना अपशकुन होता है, चल। सुंदर। चलो चलो, सब लोग अपने अपने घर जाओ, स्कूल बंद हो गया, चलो निकलो निकलो। अरे व्हाट, ये लोग अंदर जाने की बजाय बाहर क्यों जा रहे हैं? नेशनल हॉलिडे हो गई क्या? और क्या, वो चले गए हैं। क्या स्वर्ग चले गए? स्वर्ग नहीं, कर गए हैं। लेकिन वाइब हुआ उधर देख तो। 15 दिन की गंगोत्री की छुट्टी। ओहो, जैसे संक्रांति की, क्रिसमस की, वैसे गंगोत्री की भी छुट्टी होती है। पहले नहीं थी, मैंने चालू की है, क्योंकि हमारी गंगा 10वीं क्लास में है, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। मेरी गंगोत्री के लौटने से पहले तूने स्कूल चालू किया तो तेरी सांस रुक जाएगी। अरे नो नो, मेरा डोंट कसूर। बुआ, प्याज काटने के लिए इसे अपने पास रख लो। चलो कर। गंगोत्री हॉलिडे पर गई है तो स्कूल 15 दिन के लिए बंद। अगर कल को वो शादी के बाद ससुराल चली गई तो स्कूल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। औवा, 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 मैं बैठ के पीऊंगा पौवा। गंगोत्री नदी नहीं है, ये तो सिर्फ स्टेशन है। हाँ, वही पता वही। है फिरंग गंगा को गैंजिस कहते हैं। चलो कलश संभाल। अगर हम भी तुम्हें गंजी गंजी कह के बुलाए तो। अगर ऐसा बोला ना तो तुझे भी गंजा कर दूंगी मैं। ये बोल बच्चन अभी तक आया क्यों नहीं? आयो, याओ, याओ है, ओ, हाँ, आ गया, वे सारी तैयारी हो गई। खुद मैनू जूता दिखा रहे हैं, मैंने कुछ गलत बोली? वो तेरा जूता तेरे सिर पे मारूंगी। मारिए मत, ये कह रहा है आपके दिए पैसों से इसने जूते खरीदे जो बहुत अच्छे हैं। हाँ, झगड़ा बंद करो। गूंगे, तूने सारा इंतजाम कर दिया? आ गई या। ठीक है, चलो जल्दी। गंगोत्री, क्या है बेटा? इन सब पत्थरों पे नाम क्यों लिखे हैं? पता नहीं बेटा, इतने सालों से हम यहाँ आ रहे हैं पर कभी देखा नहीं। अरे सत्या जी,
जरा जाके देखता। जी देख क्या। हाँ। पंडित जी आप यहाँ ठोक ठोक के क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? बेटा ठोकना तो भाई लोगों का काम है, मिस्त्री लोगों का काम है, मैं तो केवल पत्थरों पर नाम लिख रहा हूँ। अरे शाबाश, ये आपने अच्छी बात कही है। मैं तो बस सच बात बोलता हूँ, अच्छी अपने आप लगती है। ये बताओ इन पत्थरों पर ये सारे नाम क्यों लिखे? ये जगह पुनर्जन्म के नाम से जानी जाती है। जिस किसी का नाम इन पत्थरों पर लिखा है उनकी ये मनोकामना है कि उनके इस जन्म के रिश्ते जन्म जन्मांतर तक यूं ही बने रहें। क्या बात है, क्या जगह है ये। हैं? पेपर दो। शिल्पकार जी, हा? एक नाम का कितना लेते हो? सिर्फ 100 रुपए माई। तुम मुझसे 1000 रुपए लो, पर ये नाम लिख दो, एक मेरा नाम, एक दीदी का नाम, एक बेटी का नाम। ये लो 3 नाम है, देख लो। हो जाएगा बाबू, इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी, जन्म जन्म तक। ये हमारी बड़ी दीदी बनकर जन्म ले और ये मेरी बच्ची सोनपरी बनकर मेरे घर में आए। हैं? लिखो। हाँ चलो चलो। हाँ, हाँ, चलो रुक, तू इधर ही बैठ के काम करवा ले, हम खाना खा के आते हैं। चल पर ये कब खाना खाएगा? और तेनू बड़ी फिकर हो रही है, ये इधर ही कुछ ना कुछ खा लेगा, तू चल चलो भाई चलो। ऐसे थोड़ी ना होता है। अया, क्या है? अया, अया गा गा है। बड़ी अच्छी जगह लाए, मुझे नहीं लगता था यहाँ कोई ओडीपी होटल होगा। ये है किसका? मेरा है, मैं अंजनी शास्त्री हूँ, रक्षाराम का हूँ। मेरे गांव के बगल में हर तीर्थ स्थल पर एक ओडीपी होटल मौजूद है, पर यहाँ गंगोत्री में ओडीपी होटल खोलने का सौभाग्य गंगा माता ने मुझे ही दिया है। सौभाग्य है, अच्छी बात। दीदी अरे आप सबके साथ बैठकर नाश्ता करो, मैं शिल्पकार के पास से होके आता हूँ। चलो जाके। अरे कोई एक गिलास पानी लाकर जल्दी से इस बुढ़िया को मारो। मारो, ये क्या? ओ यहाँ हर आदमी मेनू मारना चाहता है, वो गुंगा जूते से तो पानी से। पूरा मत मानिए, इसका बाप मिलिट्री में है, वो वहाँ दुश्मनों को मारते हैं, ये यहाँ खाना मारती है, मतलब परोसती है। और मैं क्या, इस वेटर से कह दो खाना टेबल पे मारे, मेरे मुंह पर नहीं। नहीं ये वेटर नहीं है, ये मेरी पत्नी है। मैडम पत्नी है? थैंक गॉड इसका भाई चोर नहीं है, वरना ये तो पॉकेट भी मार लेती। आंटी जी पॉकेट मारना इसके भाई का नहीं, मेरे भाई का काम है। हाय हाय वे, ठीक है ठीक है, बहुत भूख लगी है, खाना लेके आ। बताइए क्या खाएंगे आप? सबके लिए इडली वड़ा, मेरे लिए स्पेशल डोसा। सुनती हो जरा, डोसे पर मक्खन मारो। हाय हाय मक्खन, वे मोया मेरी डाइटिंग का क्या होगा? अगर आप डाइटिंग करेंगे तो मॉडल्स को तो घर पे बैठना पड़ेगा। मैंने सब पता था, मैं कमेडी कर रही थी। पहले वड़ा क्यों खा रही है, इडली खा। इतनी जल्दी खा भी लिया? हैं? वड़ा भी खा लिया? ओ भीम की बहन, ना तेरा पेट है क्या कुआं? ओ ठंड रख, खाना खा लेने दे। वो देखिए कितना बढ़िया लिखा है ना, गंगोत्री दुर्गा नीलकंठ। तो तुलसी? अरे मैंने तो बस हम तीनों के ही नाम दिए थे, फिर मेरी पत्नी का नाम कैसे? मैंने दिया है काका, शायद जल्दी में आप उनका नाम देना भूल गए थे इसलिए। शादी के बंधन को मैं भूल गया, पर मेरी पत्नी के उपकार को तू नहीं भूला। शाबाश सिद्धार्थ। गंगोत्री दुर्ग ए ए शिल्पकार बाबू, तूने मेरे नाम के छोटे ऊ की मात्रा को टिटा क्यों कर दिया वे? क्षमा करें माई, जब मैं आपका नाम खोद रहा था तो अचानक मेरा औजार हिल गया। औजार हिलने की बात करते हो, इनके नाम से तो पूरा गांव हिलने लगता है। गांव ये क्या है? अब देखना तू कैसे हिलता है। ले कहीं का हट पीछे, चल चल तू। ओ नहीं नहीं तू नहीं, तू चल। मैं एक फोटो खींच कर। ठीक है जल्दी आ, तुम लोग जाओ मैं। ओके अंकल। हाँ बेटा। मेरे दोस्त का नाम अगर यहाँ लिखेंगे तो वो अगले जन्म में भी मेरा दोस्त बनेगा। बिल्कुल बनेगा बेटा। तो ये लीजिए नाम और ये उसका दाम। ये क्या, सोने का कंगन दे गई? गंगोत्री हुआ क्या, क्यों रो रही है? अरे गंगा, सिद्धार्थ मेरी इंग्लिश की पढ़ाई पूरी नहीं। मतलब वो इंग्लिश टीचर तुम्हें फिर से पीटेगा? उसकी तो मैं नहीं नहीं वैसा नहीं है, आज मेरा इंग्लिश का इम्तिहान है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रोने से क्या होगा, इम्तिहान देने जाओ ही मत ना, फेल ही हो जाओगी ना, अगले साल पास हो जाना। मेरे सब दोस्त पास होकर अगली क्लास में चले जाएंगे, मैं अकेली ही रह जाऊंगी। ओहो तो ये बात है। ठीक है इंग्लिश में 100 में से 100 मिलेंगे तो चलेगा? मैं पास
भी नहीं होने वाली और तुम 100 में से 100 की बात कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। मजाक नहीं उड़ा रहा, अगर तुम वो करो जो मैं कहता हूँ तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा क्या करना होगा? पहले तुम कपड़े उतारो। छी, मुझे शर्म आती है। पता है, मुझे तुमसे ज्यादा आती है। इधर आओ। अरे तुम सब देख क्या रही हो, मेरे लिए जाकर विग लाओ। मगर ऐ हसी, जब से पढ़ा मैंने बीएड सी टीचरी आ गई। मैं शायराना टीचर हूँ, अगर कोई कॉपी करते हुए पकड़ा गया तो मैं उसे अपनी शायरी सुना सुना के पनिश करूंगा। चलो। अरे अमरूद, कितना मीठा है ना, और नरम भी होगा, बिल्कुल तुम्हारे होठों की तरह। जबरदस्त सेक्सी है तू। कलर मैचिंग मैचिंग। कहना क्या चाहते हो? अगर मैचिंग कलर की तरह हमारे दिल भी मैच हो जाएं तो 2020 मैच क्यों ना खेले, विकेट क्यों गिराती है? पहले मैं जाकर इम्तिहान तो दे दूं, बाद में टूर्नामेंट खेल लेंगे। रियली? योर्स लविंगली। गो, एग्जाम देने जाओ। जितनी चाहो उतनी नकल करो। ऑल द बेस्ट। ओ, इसे तो भूल ही गया था। बुढ़ापे में मजे लेगा, झापड़ भी तो खाएगा। अरे यहाँ मजे लेने कौन आया गधे? फिर क्या? आवर विलेज की बाहुबली की गर्ल यहाँ एग्जाम दे रही है, इंग्लिश में पूर है। अगर वो फेल हो गई ना, सारे टीचर क्या, सारे इनविजिलेटर के साथ साथ स्कूल को ही बम के एक धमाके से उड़ा देगा। मैं तेरे हैंड जोड़ता हूँ, जरा चेहरा उधर टर्न, मैं ये गाइड उसे कॉपी करने के लिए देकर कमिंग। ये बला है कौन? ये देख, वहाँ पर बैठी है, रोल नंबर 1101 वही है। जा देखे। ओके। साइलेंस। बेटा गंगोत्री तुम्हारी होल प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, तुम्हारे लिए गाइड लाया हूँ। मेरी बात तो सुनो ना, तुम फेल हो गए तो योर फादर मुझे लाइफ में फेल करा देगा। देखो बेटा, ये गाइड अंडर में रखता हूँ, इसको देखकर नकल मारकर 100 मार्क्स ले आओ। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी दुलारी, प्लीज सुना। अमरूद, ये यहाँ किधर से टपका? शायद गंगोत्री से अपने बागीचे से लाई होगी टिफिन के लिए। रख लो बेटा, तुम्हारी अमानत है, संभाल के रखना। अब अच्छे से नकल मार। नकल मारना बेटा, मार नकल, मारना। ऐसे शॉट मारा। होल्ड हो गया ना, गिल्ली लेके बाहर जा। बच गया। मास्टर जी का स्टंप उखाड़ के उनका बिल बजा दिया। कोई दूसरा आदमी मुझे छुए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हाथ लगाऊं क्या? इतनी घाई क्यों? अगर तुम्हें भी ऑर्केस्ट्रा बजाना है तो चने के खेत में आ जाना। पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। सिट डाउन, सिट डाउन, साइलेंस। इस तरह इन्विजिलेटर को बेवकूफ बनाकर पेपर लिख के आ गया। देखना अब वो गन्ने का खेत ढूंढता आता ही होगा। अरे देखो वो आ गया। हे गंगे। हाय। 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 सर आप तो एकदम लाल भड़क माल कड़क लग रहे हैं। थैंक यू यंग बॉय। आपको देखकर पहली नजर में इसने अपना दिल खो दिया, अपनी जवानी खो दी, अमरूद भी खो दिए। अमरूद खो दिया? उसे छोड़। अरे गंगा के लिए तो मैं लाइफ को खो सकता हूँ। ए गंगे, जाने मन तेरे दो नयन, चाय के लिए हमें घर पे बुलाओ ना सनम। क्यों, शादी की बात करनी है क्या? गंगोत्री। हाँ? आज रिजल्ट आया है। अच्छा? तू फर्स्ट क्लास से पास हुई है। यस। हिंदी में तुझे 90 मार्क्स आए। ऐसा क्या? हम सब तो पास हो गए पर सिद्धार्थ फेल हो गया। दीदी, तुलसी, दीदी,
दीदी तुलसी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? मेरी सोन परी को क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? हाँ ए तुम रुको, इसी से पूछ लो। कॉमेडी शो चल रहा है, तुम कुछ बताओगी? हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गया। सिद्धार्थ सिद्धार्थ, अरे यार तू अभी तक यहीं बैठा है? क्यों क्या हुआ? गंगोत्री का रिश्ता पक्का हो गया है। क्या? बच्चे को घुसने नहीं देना गेट के अंदर। ए, क्या कर रहे हो तुम? गेट खोलो, मुझे गंगोत्री को देखना है। क्या हुआ है गंगोत्री को? गंगोत्री को अब तू नहीं देख सकता, उससे मिलने यहाँ नहीं आ सकता। गंगोत्री का नाम भी तेरी जुबान पे नहीं आना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता तय हो गया है। तुलसी इधर आ। भाई सारी औरतें आ गई हैं, गंगोत्री को बुला ले। आ बुलाती हूँ। क्या हुआ? गंगोत्री अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार हो गई है, पर वो सिद्धार्थ का इंतजार कर रही है। जब तक वो गाना नहीं गाएगा वो नीचे नहीं आएगी। अरे तो सिद्धार्थ को लेकर आओ भाई। ए सिद्धार्थ कहाँ है? मैंने ही उसे मना किया है, उसके आने से कोई ऊंच नीच हो गई तो। छी, ऐसा मत सोचो। बचपन से लेकर अब तक वो उसकी देखभाल करता आया है। कल तक तो वो उसके साथ घूमता था, अब उसको क्यों रोक दिया? देखो दीदी, अगर गंगोत्री को खुश रखना है तो उसे यहाँ आने से मत रोको। ए वहाँ कौन है? जाओ और सिद्धार्थ को लेकर आओ। जी मालिक। जाके गंगा को ले आओ। अभी बुला। जल्दी जाओ। धोने के लिए भी लेके आता हूँ। मैं ना हूँ तो इस घर में तो कोई नहाए तो ही ना। गंगा लता सिद्धार्थ ठीक तो है? मैं तुम्हें वही बताने आई हूँ सिद्धार्थ को। एक तो सही चूल्हा जल रहा है। ओए 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 ना बात सुनो, मैं अंदर क्या गई एक मिनट के लिए? मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम लोग चोरों की तरह अंदर घुस आए, और तुम सिद्धार्थ का कोई संदेशा तो नहीं लाए गंगोत्री के लिए? गंगोत्री को किताब देने आई थी। किताब किताब की कहानियां मुझे ना सुनाओ। एक बार लड़की जवान हो गई तो उसका खेलना कूदना सब कुछ बंद। अब से तो ये स्कूल भी नहीं जाएगी। अगर इसका पढ़ने का मन होगा तो मास्टर घर में आके पढ़ाएगा, समझी? और हाँ, पढ़ाई के लिए किताब के लिए तुम लोगों ने या उस सिद्धार्थ के बच्चे ने अगर आज के बाद इस घर में कदम रखा ना तो ये जलता हुआ चूल्हा देख रहे हो, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के इसी चूल्हे में डाल दूंगी। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, शक्ल मत दिखाना अपनी। आई बड़ी चल के उसकी हिमायत थी। हेलो सिद्धार्थ। गंगा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम घर आ सकते हो? पर इस वक्त मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहते, अभी सब सो रहे हैं। तुम फौरन यहाँ आ जाओ ना। लेकिन रात काफी हो चुकी है। प्लीज प्लीज सिद्धार्थ। आता हूँ। तुम आ गए। गंगा, सिद्धार्थ मेरा मन बहुत उदास है, तुम्हें देखकर पूरा एक हफ्ता जो हो गया है। हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। जो तुम्हारे बड़े कहते हैं वही मेरे बाबूजी भी कहते हैं, यही हमारा रिवाज है। नहीं मानती मैं इस रिवाज को। क्या अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कर सकती? इतने बंधन में मेरा दम घुटता है। सिद्धार्थ तुम्हें देखे बिना मैं नहीं रह सकती। रह तो मैं भी नहीं सकता, पर रहना होगा। एक काम करो, ये बांसुरी अपने पास रख लो। जब भी तुम्हें मेरी याद आए या मेरी बातें याद आए तो इसे बजा लेना।
लगेगा कि मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। बांसुरी से काम नहीं चलेगा, मुझसे मिलने तुम्हें खुद आना होगा, समझे? ठीक है, मैं इसी तरह रात में तुम्हें छुप छुप कर मिलने आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। एक मिनट सिद्धार्थ, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें इतनी दूर जाना है, कहीं ठंड लग गई तो ये स्वेटर ले लो। ये लो, पहन लो। ये आवाज कैसी? कौन है बाहर आंगन में? अरे लाइट चल कर देख, गेट के पास देख। कौन है वहां? देख ठीक से देख। बच के जाने ना पाए। अबे उठ बे कुंभकर्ण। ओए उठ गया, मैं देखता हूँ। रात को चोरी छुपे एक जवान लड़की को मिलने आया था। नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं। कुत्ता, कुत्ता। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। हमने तुम दोनों को हाथ में हाथ डाले हुए देखा, फिर भी तू झूठ बोल रहा है। मेरी बहन के मना करने के बाद भी मैंने तुझे घर में आने दिया, उसका ये सिला दिया तूने? ले जाओ इसे। चल, इसे ले जाओ। साले को तोड़ डालो। बाबा प्लीज उसे मत मारिए, उसने कुछ नहीं किया। बाबा उसे छोड़ दीजिए। नरसिम्हा, नरसिम्हा, तेरे बेटे को नीलकंठ के आदमी बिना साबुन के बाहर धो रहे। उसे मत मारिए बाबा, इन्हें उसकी बड़ी फिकर हो रही है तुझे। है चल अंदर, चल अंदर, चल तू चल अंदर। मालिक रुक जाइए, मालिक इससे गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के इसे माफ कर दीजिए। किस लिए माफ कर दूं? मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को लेकर भाग रहा था ये कमीना। बाबा मुझे आंखें दिखाता है। अगर अब मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। हाय हाय हाय, सब खत्म हो गया, अब तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले तो वो सिद्धार्थ तेरी बेटी को पकाने आया है, ऊपर से उसका एहसान फरामोश बाप तुझे मारने की धमकी देते हैं। बाप बेटे को अब तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर ये खबर झूठ निकली तो मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा हुआ नीलकंठ और नलसिम्हा अलग हो गए, अब हमें मौके पर छक्का मारना होगा। शाबाश। सुन बेटा। हाँ बाबा। तो फिर उस घर में जाएगा? नहीं बाबा। अगर गंगोत्री को देखने का मन हुआ तो? फिर भी नहीं बाबा, सारी उम्र आपने उनकी सेवा की है और उन्होंने आपकी छाती पर लात मारी, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं? नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा वहां। देख ए, चुप हो जा। तुझे रोता देखकर मुझे तकलीफ होती है। लेके आएगा
आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ बाबा, जहाँ कहेंगे वहाँ जाऊँगा। भगवान है और ये घर उसका मंदिर है। ये बातें मेरे बाबा ने मुझे सिखाई थी, जो आज उन्हीं के साथ जलकर पूरी तरह राख हो गई है। ए, यहाँ क्यों आया? ए, रोती हुई बेटी को गा के चुप कराने के लिए बुलाने वाला तू था, खेलने के लिए बुलाने वाला तू, देखभाल करवाने वाला तू, और तेरे ही कहने पर मैंने अपनी जान की परवाह ना करके उसकी हिफाजत की। थू! अपनी बहन के घिनौने जाल में फंस कर हमारी दोस्ती पर गंदे इल्जाम लगाने वाला तू था, और हमें अलग करने वाला भी तू ही है। तो पूरी तरह पागल हो चुका है। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन आज तुझे ये सच्चाई सुननी होगी। ए, गंगोत्री को मैंने अपने इन्हीं हाथों में खिलाकर बड़ा किया है, पर मैंने कभी उसकी ओर बुरी नजरों से नहीं देखा। हमारे खिलाफ ऐसे गंदे विचार तेरे मन में तेरी इस काली कलूटी बहन ने डाले। ठीक है, इसी जगह इसी वक्त मैं गंगोत्री से अपने प्यार का इजहार करूंगा। आई लव यू गंगोत्री। दिन के 24 घंटे वो मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहेगी, और एक दिन यहीं से उसे लेकर जाऊंगा। ए, कोई है वहाँ? काट डाले से। तेरे इन भाड़े के टट्टों में इतना दम कहाँ कि मेरा एक बाल भी बाका कर सके। ये क्या? हाय हाय हाय, छोटे खून। बच के जाने न पाए। घंटे वो मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहेगी, और एक दिन यहीं से उसे लेकर जाऊंगा।
वहीं रुक जाओ। तुम सब खाली हाथ वापस लौट आए। तुम लोगों ने सोचा मालिक खुश होगा, बिना सिद्धार्थ के तुम अंदर नहीं आ सकते। सिद्धार्थ की लाश के साथ ही अपनी शक्ल दिखाना। सिद्धार्थ की मौत की खुशखबरी सुनाने आए हो तुम? हाँ, अरे बताओ वो कहीं मिला या नहीं, बताओ। गांव का कोना कोना छान लिया मालिक, पर वो नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं। आसपास के किसी भी गांव में नहीं मिला। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी जगह ढूंढा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। ढूंढ निकालो और उसे काट डालो। मालिक, टीवी पर, पेपर में, सब में छपाओ। सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, देश भर के हर पेपर में इश्तहार दो। आप मेरे सिद्धार्थ की हमेशा रक्षा करना, उसे हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर खतरे से दूर रखना। आप जरा वहां आएंगे? हाँ, क्यों नहीं। मुझे बताइए, ये नाम किसने लिखवाया था? बेटा, वो लड़की तुम सबके साथ ही आई थी, और मुझे उसने ये नाम लिखने के लिए सोने का कंगन भी दिया। वो उसके लिए जरूर कोई खास होगा बेटा। बाहर से तो अच्छा दिखता है। अरे आगे मत जा, पीछे आ रहे। अभी आजा, आजा, आजा। ये क्या होगा? अरे बताता हूँ आराम से। अरे अपने सेब और संतरे नीचे रखो, ध्यान से पिचक ना जाए। तुम कौन हो? अगर हमने बता दिया कि हम लोग कौन है तो यू जंप करोगे। ये सब आखिर है क्या? स्वीट्स प्योर घी की बनारस से मंगवाई है डिस्काउंट पे। अमेरिका हो, चिंचपोकली हो, इसका डिमांड बहुत है। लेकिन इतना सारा क्यों? खाने के लिए। खाते कैसे हैं? मैं दिखाता हूँ, अगली बार ताजा माल लाऊंगा। ये लोग कौन है? ये है टीचर का मिशायर, नहीं है ये कायर। दैट्स व्हाई यहाँ जोड़ने आया है ये अपना वायर। अब तक हूँ बिना हवा का टायर। गंगोत्री मेरी वजह से इंग्लिश में पास हुई थी। चलो अच्छा है। वैसे अगर गंगोत्री पास हुई है तो मिठाई उसे खिलानी चाहिए, ना कि आपको। गंगोत्री खिलाया, मैं खिलाऊंगा, एक ही बात है ना। ये भी ठीक है। तो कल को अगर अवार्ड तुम्हें मिलेगा तो मिठाई हम बांटेंगे। उस बात में देर किस बात की? अवार्ड तो हम लोग अभी खरीद सकते हैं।
तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हें स्कूल का प्रिंसिपल बना देते हैं। उसके लिए तो घूस गिव एंड टेक करनी होगी। तो घूस के कितने पैसे लगे? पैसे तो मैं दहेज में चाहे जितने भी ले लूंगा। तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब बताना पड़ेगा। अरे रुक, अमेरिका हो या चिंच पोकली, शर्म लड़की का कहना होता है। यू चुप रहो, इस दूल्हे को शर्माने दो। ऐसा है कि ये यंग लड़का आपकी बेटी गंगोत्री को लव करता है। गंगोत्री भी इसके प्यार में पागल है। दोनों पेड़ के चक्कर लगाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, खेतों में जाते हैं, कुछ को करते हैं, तो क्यों ना इन दोनों की लव स्टोरी को। अरे अपनी स्टोरी का जल्दी सेंड करो और मेरी शादी की फाइनल बात करो। ये क्या, अपने दामाद पर फूल की जगह पानी डाल रहे हो? क्या रे, तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है ना? ए, इसे किसी से भी शादी करने लायक मत छोड़ना। अरे बाबा, मी से तुम्हारा मिस्टेक नहीं होगी। अभी उस यंग बॉय को जाने दो, वो अगेन इधर नहीं आएगा। अमेरिका हो या चिंच पोकली, मेहमानों के साथ ऐसे बिल्कुल पेश नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे ही पेश आते हैं। छोड़ो, अरे अपने दामाद कैसे मारते हैं। अरे अरे, इससे पहले वो तुझे बॉम्ब से उड़ा दे, यहाँ से फुट ले। मेरा शरीर तो चला जाएगा पर दिल यही रह जाएगा। एक आइडिया आया है। क्या? इसके शरीर को यहीं रखते और दिल लेके भागते हैं। इस शान को उठाना पड़ेगा। इधर आके उठाओ। हाँ, जल्दी चलो, अपने अपने हाथ में ले और उठा लो। चलो चलो उठाओ। चलो चलो, दो प्लेट पूरी भाजी लाना। ये सोने की नहीं, खाने की जगह है। एक इडली मिलेगी क्या? यहाँ पहली बार आया है। एक प्लेट इडली 8 रुपए की। पूरी कितने की? पूरी 12 रुपए की। और उपमा? उपमा 6 रुपए का। कटिंग चाय कितने की है? चाय 3 रुपए की। तब आप एक कटिंग चाय लाइए। हाँ, एक कटिंग चाय मारो। ये क्या है, मैंने तो चाय मंगाई थी, आप ये सब क्या लेकर आ गए? मैं ये सब नहीं खा पाऊंगा, मुझे तो भूख भी नहीं लगी है। भूख तो लगी है पर पैसे नहीं, चिंता मत करो, खा लो। परीक्षा में फेल होकर आए हो तो वापस चले जाओ, माँ बाबा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे माँ बाबा चल बसे हैं। अरे वो कैसे? वो सब बाद में पूछो जी, पहले उसे पेट पूजा करने दो। हाँ, खाओ खाओ। पैसे नहीं मांगूंगा, खाओ। मुफ्त में अगर सोना भी मिले तो मत लेना, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। गंगोत्री में आने का मेरा एक मकसद है। क्या कहा तुमने? बेरोजगार हूँ सर, अगर आप कुछ काम देंगे तो मैं ये खाना खा लूंगा। बर्तन धो सकता हूँ, सामान ला सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, काम मिल जाएगा, पहले खाना तो खाओ, खाओ। हेलो। खाली पेट होते हुए भी संस्कारों की बातें करता है, ऐसे बच्चे तो फिल्मों में ही मिलते हैं। चलो बस थोड़ा सा खा लो बेटा। ओ, क्या हुआ तुलसी, इतनी देर से देख रही हूँ, इतना लाड दिखा रही है या फिर भी नहीं खा रही? लिया थाली मुझे दे। ओए, अगर तू ऐसे ही 4 दिन भूखी रहेगी ना तो मर जाएगी। है वो इतना कूर कूर के क्या देख रही है? चल मुंह खोल फटाफट। ओ जिद छड़, मुंह खोल और चुपचाप खा ले थोड़ा सा, नहीं तो ठूस ठूस के खिलाऊंगी जबरदस्ती। हाँ, बहुत हो गया तेरा नाटक। दीदी दीदी, इतना गुस्सा क्यों? हाँ, ये प्लेट मुझे दो, तुम जाओ जाओ। आज मेरी सोन परी मेरे हाथ से खाना खाएगी, ये है माँ का कौर। नहीं खाना, किनारे रख देते हैं। ये लो मेरा कौर। क्या ये भी नहीं खाना? गाना गाऊंगा तो खाओगी? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, गंगा करे तमाशा, लल्ला लल्ला लल्ला। गंगोत्री क्या है, गुस्सा है क्या? अच्छा सुन सुन सुन, नाराज है मुझसे? नाराज है तो मुझसे बात मत कर, पर खाने से क्या दुश्मनी मेरी सोन परी? अब चलो मुंह खोलो। अरे खाना जल्दी से खा ले गंगोत्री। देख मैं भगवान के आगे भी नहीं झुकता, पर मैं तुम्हारी खुशामद करता हूँ, जल्दी से खा ले बेटा। नहीं ना गंगोत्री, चल बहुत हुआ, अब छोड़ना, खा ले। गंगोत्री मुझे गुस्सा मत दिला, गुस्सा मुझे जानवर बना देता है। ये ले ये ले ये ये, ये, ये ले। नहीं खाना है तो मार। आइए आइए आइए, बहुत अच्छा हो जाए, सब चल चल जाए। आइए 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 आइए। नमस्कार, आप पहली बार यहाँ आए हैं? कई बार आए हैं लेकिन तुम्हारे होटल में पहली बार आए हैं। आइए आइए, आप प्लेट में खाएंगे या केले के पत्ते में खाएंगे? मतलब आप प्लेट में खाएंगे या केले के पत्ते पर परोसे? कढ़ाई में देंगे, वो भी चाट जाऊंगा। कढ़ाई को अच्छे से चाटिएगा ताकि साफ न करनी पड़े। मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो, चलोगी? गिर नहीं जाएंगे तुम्हारे जेवर।
बताइए क्या खाएंगे? इडली मिलेगी सोना चमका के। आपकी पत्नी जितनी गरम और उसकी कंगन जितनी गोल इडली है। और डोसा? आपकी बीवी के कमरबंद जितना बड़ा। बड़ा होगा? तुम्हारे मंगलसूत्र जितना कड़क और गोल बड़ा है। अरे ये खाने का होटल या गहनों की दुकान? सुनती हो, इनकी नजर तुम्हारे उस पर है, मेरा मतलब गहनों पर है। आप फिर से मेरे गहनों के पीछे मत पड़ो। पहले ही कहा था छोटे छोटे लो, लेकिन तुम्हें तो बड़े पसंद है। ए, सुनो, तीन प्लेट इडली, तीन प्लेट वड़ा और चार प्लेट वो सोना चमका के। डैडी, ये तो मैं अकेला खाऊंगा, आप क्या खाओगे? तेरा बस चले, तू तो हमें भी खा जाए सांड की औलाद। अच्छा, तो इसका मतलब मैं सांड हूँ? हाँ। ये बहुत सुंदर है। हाथ लगाकर पूछना जरूरी है क्या? दूर से नहीं पूछ सकती। जाए यहाँ से, कमबख्त मारी। बालकी, तुम्हारा तन कितना अच्छा लग रहा है। और दिखाओ स्वामी जी। हाँ हाँ, दिखाओ ना, मैं तो इसी की ताक में रहता हूँ। मेरा नाम है ठरकी बाबा, बिकॉज आई एम फ्रॉम टर्क। शर्माई मत, हाथ में लेकर देखिए ना। ये क्या करती हो, हर किसी को हाथ में दे देती हो। तू जाए यहाँ से सोना चमका के, घंटा बजा दूंगा, समझाना। जब देखो तब अपना तन, मेरा मतलब की धन दिखाती रहती हो। जो आए वो देख के जाए, वो भी बिना पैसे दिए। मैं तुझे इस पवित्र पानी से श्राप देता हूँ। तेरी बीवी भी सबको दिखाएगी सोना चमका के। और क्या लेंगे सर? बिल पे डिस्काउंट लेंगे। डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा, पानी आप जितना चाहे पिए, फ्री है। अच्छा ऐसा? हाँ। है यहाँ और क्या क्या फ्री है? इडली के साथ चटनी फ्री है, बड़े के साथ सांभर फ्री है, पूरी के साथ भाजी फ्री है, चपाती के साथ सब्जी फ्री है। फ्री फ्री फ्री, हर होटल में यही कहते हैं, सेम डायलॉग। क्या है सोना चमका के फोटो में? ये त्रिमूर्ति कौन है? इस पोस्टर में छपे लोग धोखाधड़ी में माहिर हैं। काशी में 100 औरतों का कत्ल करके उनके गहने लूट लिए। इनके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी है। आजकल ये गंगोत्री में ही घूम रहे हैं, ऐसी खबर है। अरे वो गहनों की दुकान, अगर इन लोगों ने तेरा माल देख लिया तो ये हमें भी लूट लेंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। सोना चमका, आप लोगों के यहाँ आने से पहले वो लोग यहाँ पर खाना खा के गए हैं, वो लोग यहीं कहीं होंगे। अरे बाप रे, मैं लूट जाऊंगा, मेरा माल भी यहाँ है और लुटेरे भी। सब कहाँ चल दिए? खाना तो खा के जाइए बाबू। खाना तो मैं फिर कभी खा लूंगा, आज उपवास रख लूंगा। ये ले तेरा माल, अपने पास रख। तेरी फ्री की चटनी से मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। चलो भगवान सोना चमका के। ऐसी बातें कर रहा था, एक नंबर का डरपोक है। लगता है मंदिर के बाहर बैठ के पैसे जमा किए हैं। इस लड़के का नाम सिद्धार्थ है, ये हमारे घर पर पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा था, फिर एक दिन 10 लाख रुपए लेकर भाग गया। जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का नकद इनाम। सिद्धार्थ, मक्कार, तूने मुझे धोखा दिया। चोर कहीं के, पता पता कहाँ से आया तू? चाचा चाचा, क्या हुआ? घर से चोरी करके भागा है और मुझे बोला कि तू अनाथ है, झूठ बोलता है। मैं सच में अनाथ हूँ चाचा, मेरी बात का यकीन कीजिए। कैसे करूँ? ये देख अखबार में क्या छपा है। ये सरासर झूठ है चाचा, वो मुझे मारना चाहते हैं इसीलिए ये छपवाया है। तू सच कह रहे है? हाँ चाचा, मेरी कहानी सुनकर आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। मैंने आपको जो कुछ भी बताया उसे साबित करने के लिए इसके अलावा कोई सबूत नहीं है। गंगोत्री से मैं प्यार करता हूँ, ये जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने गुंडे मेरे पीछे लगवा दिए। चाचा, मैं इस पवित्र जगह इसलिए आया हूँ कि जब गंगोत्री अपने आखिरी स्नान के लिए आया तो उससे मिलूंगा। तुम दोनों को अब मैं मिलवाऊंगा। हमने भी प्यार करके शादी की थी, जब लोग हमारे प्यार के खिलाफ गए तो हमने गाँव ही छोड़ दिया। तुम्हारे प्यार की रक्षा मैं करूँगा, तुम दोनों को मैं मिलवाऊंगा। चाचा, जब तक मेरे बारे में गंगोत्री को पता नहीं चलेगा वो मेरी याद में वहाँ अकेली रोती रहेगी। चिंता मत कर सिद्धार्थ, गंगा से मिलने मैं जाऊंगा, मैं उसे बता दूंगा कि तू ठीक है। चाचा, सबके लिए दाल लेकर आना, चावल गिरनी नहीं चाहिए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। दरअसल मैं यहाँ नीलकंठ जी से मिलने आया हूँ, वो कहाँ मिलेंगे? मैं नीलकंठ जी की बीवी हूँ। बीवी? तब तो मैं आप ही को सब कुछ बता सकता हूँ। दरअसल मुझे आपको कुछ दिखाना था। तो
सिद्धार्थ आपके पास पहुंच गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सिद्धार्थ जिंदा है, मर गया वो कहाँ होगा कैसा होगा, इसी फिक्र में मेरी बेटी ने खाना छोड़ दिया। ये देखो ये सब अन्नदान, ये सब कुछ उसी के लिए कर रही हूँ। आपने साक्षात भगवान के रूप में ये खबर दी है, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, ये बात उसे कहकर मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। चलिए चलिए। खाना मुझे नहीं खाना, नहीं चाहिए। ये स्वेटर तो सिद्धार्थ के पास। हाँ बेटा, सिद्धार्थ दरअसल मुझे गंगोत्री में मिला था। अंकल सिद्धार्थ ठीक तो है ना, आपके साथ आया है? साथ तो नहीं आया, पर आखिरी दोष मुक्ति स्नान के लिए वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तो तुमसे मिलने के सपने भी बुनने लगा है बेटी। बेटा गंगोत्री। माँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी, खाना तो ना। हाँ बेटा खाइए, मैं खिला दूंगा इसे। पेपर में इश्तेहार देखकर सिद्धार्थ को चोर समझकर मैंने इन्हीं हाथों से उसे मारा था। अब इन्हीं से तुम्हें खाना खिलाकर थोड़ा पुण्य कमाना चाहता हूँ बेटा। अंकल सिद्धार्थ को इसी हाथ से छोड़ था ना। अच्छा चलता हूं। शुक्रिया। हैं? ओए छोटे, इसे तो मैंने पहले कहीं देखा है। गंगोत्री होटल। मैं अंजनी शास्त्री हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। मेरी बुआ की साली की माँ की बहन की नानी की चाची की ताई ने गंगा जल मंगवाया है आज ही। घर में ये जल छिड़के तो घर में लक्ष्मी का निवास होता है। अगर मन अशांत हो तो ये जल छिड़कने से मन को बड़ी शांति मिलती है, इसीलिए जल मैं इन्हें देने आया हूँ। गंगोत्री। हाँ वे शास्त्री, तेरे होटल में टांग के पढ़े लिखे वेटर भी हैं या अभी भी पांचवीं फेल ही पड़े हुए हैं? माता जी, मैंने तो चाकू की धार से भी तेज लड़का ढूंढ लिया है। हाँ? मिलने तो आइए, दिल खुश हो जाएगा आपका। आइएगा जरूर। बहुत अच्छा। नमस्ते माता। ठीक है जा। गंगोत्री बेटा, गंगोत्री गंगो। ओए छोटे। अरे ये क्या, आज कुछ अलग अलग लग रहा है, मन अचानक खिलखिला उठा है। गंगा जल ने कमाल कर दिया। हाँ, पिछले कुछ दिनों से तो फिरकी की तरह सर घूम रहा था, पर अब तो अच्छा लग रहा है। बाबा ऐसा क्यों? गंगोत्री। हाँ गंगा माँ। हाँ गंगा की कृपा। गंगा जल है ये। गंगा जल है ये। हाँ, हाँ तो दीजिए ना। ये ले। ओ क्या हुआ, ओ क्या हुआ, क्या गिरा, ओ क्या तोड़ दिया, ओ कुछ जवाब तो दो मुझे। बाबा इस जल से तो मैंने सुना है कि शुगर, बीपी, बुखार सब ठीक हो जाता है, इसीलिए तो थोड़ा सा बुआ पर भी डाल दो ना। अगली बार अपना सामान तोड़ने से पहले भी 10 बार सुन चुकी। ओ छोटे मुझ पे पानी, और मैं सुबह नहाई थी। गंगा गंगा जल दीदी, गंगोत्री। चाचा चाचा चाचा, आप गंगोत्री से मिले? गंगोत्री ठीक तो है ना? क्या हुआ चाचा? ये दिया है उसने। इसे लौटा दिया? क्या उसने कुछ कहा चाचा? उसके बारे में जानने से पहले जरा ट्रेन के पीछे देख ले।
चाचा, चाचा, मेरी गंगा ने खत लिखा है चाचा, उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया, गंगा। सिद्धार्थ, तुम्हारी गंगोत्री आ रही है। हे गंगा मैया, सिर्फ तुम्हें हम दोनों को मिला सकती है। शुभो, जरा ऊपर से दो गगरे तो उतार दे, कितने चला गया। अगर बुआ वहाँ आ गई तो प्लान चौपट हो जाएगा, उन्हें यही रोकना होगा। ए नौकर भी पता नहीं कहाँ मर गया है। इस उम्र में मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं, ये नौकर भी किसी काम के नहीं है। है ध्यान से चढ़ती हूँ, कहीं फिसल गई तो हड्डियां टूट जाएगा। ओए मेरी मेरी नाजुक कमर तो टूटी गई। ओए शंभू, ओए लक्ष्मी, ओए कोई तो आओ। अरे अरे हाय, फर्श तो नहीं टूटा, मर जाती हो, कोई उठा तो सही। चलिए गंगोत्री कैसे जाऊंगी। क्यों जी, हमारी बेटी की पूजा का ये आखिरी साल है, इस बात से तो आपको खुश होना चाहिए, इतनी उदास क्यों है? तुलसी, मैं बिल्कुल ना समझता। बचपन में ही माँ बाप चल बसे, तब से मेरी दीदी ही मेरी माँ बाप भाई बहन सब कुछ बन गई। उसके बगैर जाते मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा है बुआ साथ नहीं आई, मेरी तो जान छूटी। ओए छोटे दीदी, और डॉक्टर ने मुझे इजाजत दे दी है, देखो और लंगड़ाते हुए सही, पर मैं गंगोत्री चलूंगी। लंगड़ी होगी पर घर में नहीं बैठेगी। चाचा, चाचा। हाँ, ये क्या उठा लाया? गंगोत्री अपनी सालगिरह के लिए आज यहाँ स्नान करने आएगी, तब मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि मैंने उसकी दौलत के लिए ये सब किया, इसीलिए मैं ये लाया हूँ। ये गहने अच्छे है ना? असली है तो अच्छे ही होंगे। तो सारे पैसे इसी तरह खर्च कर देगा तो गंगोत्री का ख्याल कैसे रखेगा? सिर्फ ये बांसुरी काफी है। चाचा, आपने एक अनाथ को अपने बेटे जैसा पाला, आपको छोड़कर जाते हुए दुख तो बहुत हो रहा है, पर गंगोत्री के खातिर ये करना पड़ेगा। चाचा, आपका नाम अंजनीय शास्त्री है ना? अंजनीय का मतलब लंबी उम्र होता है। होता है। हम दोनों के प्यार की उम्र भी लंबी हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमें। तुम्हारे प्यार की उम्र जरूर लंबी होगी। लैला, मजनू, राज, सिमरन, सबके आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुंह उठाओ और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ए बोल बच्चन, सिद्धार्थ यहाँ गंगोत्री में है ये बात किसी और को तो क्या, तू खुद को भी जा, जा, वो के जो या, किसी को पूजा ही चाहेगा। बस भी करो दीदी, चलो। ओ जल्दी हाथ पैर चलाओ, कर क्या रहे हो? वही भेज आओ, भेजो भेजो। ओए हमेशा टकराती रहती है, तार जैसी हो गई है, पर चलने की अक्ल नहीं है। अगर ये गागर गिराई ना तो तुझे ही गंगा में गिरा दूंगी। हाँ, अब जाके इसे संभाल के रख। नलैक कहीं की। ओए छोटे, तेरी बहन फिर से गिर गई। अब क्या हुआ दीदी? ओए आज तो मेरी हड्डियों की खैर नहीं है। तुम्हारी उम्र हो गई है इसलिए दिखाई नहीं देता। बैठो, तुलसी स्नान शुरू करवाओ। जी अभी करती हूँ।
रुक जाओ, वो यहीं पर है। ये आवाज मैं पहचानता हूँ, ये गाना सिद्धार्थ का रहा है। वो यहीं गंगोत्री में है। हाँ, वो यहीं छुपा होगा। उसे जाके ढूंढो, काट डालो, जाओ। ए वो क्या वो गाना टीम में बज रहा था, पिछली बार रिकॉर्ड किया था। ए, क्या बोला तू? पिछली बार जब सिद्धार्थ यहाँ आया था तब इसने ये रिकॉर्ड किया था। आखिरी दोष मुक्ति स्नान पूरा हुआ। अब गंगोत्री बेटी के जीवन को जल से कोई खतरा नहीं होगा। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। मेरी गंगा की जान बच गई, अब मेरी सोनपरी को पानी से कोई खतरा नहीं। गंगोत्री की जान बचने से मेरी उम्र बढ़ गई पंडित जी, मैं आपका आभारी हूं। चाहे पांचों तत्व और नौ ग्रह मिल जाएं, अब 30 करोड़ देवता भी मेरी गंगा को नहीं छीन सकते। अब किसी में इतनी ताकत नहीं जो गंगा को मुझसे अलग कर सके। गंगा माँ भी मेरी गंगा को नहीं छीन सकती। इसको भी प्रसाद दो, सबको मिलना चाहिए। चलो चलो, सबको बांटो अच्छे से। हाँ। और कौन है ये अंधा? ओ सिद्धार्थ, वो कहाँ लेके जा रहे हैं मेरी गंगा को? और रुक, और रुक तो सही। ओहो, अनर्थ हो गया। छोड़ मेरी साड़ी, छोड़ मेरा पल्लू। दक्षिणा दो, दक्षिणा दो ना। आओ, अब बुआ को सबक सिखाना होगा। मारो। हाय वे, खून, खून, छोटे, हमारी गंगोत्री को से दांत लेके भाग। उसका पीछा करो, इसे घेर लो, बचकर जाने न पाए। उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और गंगा को जाने से रोको। गंगा को आज तक कोई नहीं रोक सका और ना ही रोक सकेगा। नीलकंठ बाबू, तुम भी नहीं। शास्त्री, तू मुंह बंद रख। खुला रखूंगा तो क्या मक्खी घुस जाएगी? गंगा हिमालय से निकलकर कई राज्यों से होती हुई आखिर में समुद्र में समा जाती है। सृष्टि के बनाए इस मिलन को रोकने की शक्ति तो साक्षात परमेश्वर में भी नहीं है, और तुम समुद्र जैसे सिद्धार्थ से गंगा को अलग करना चाहते हो। ये बात जान लो, तुम गंगा की एक बूंद तक उससे अलग नहीं कर पाओगे। इसको बाद में देखेंगे, तू जाके गंगोत्री को रोक।
मैं जाइए आइए जा जाइए जाइए आइए आइए सिद्धार्थ जल्दी आओ आ जाओ अगर तुझे भी इसके साथ ही रहना है तो फिर तुझे भी मरना होगा बोल मरना है बोल मरना है इसके साथ बेटी को इसी ने पाला पोसा और संभाला था इसीलिए तुमने इसकी जान ली ना तुम्हारी जान बचाने के लिए इसकी माँ ने अपनी जान दे दी इसलिए तुमने उसे इतना पीटा ना हाँ 30 साल तक इसके पिता ने तुम्हारी सेवा की लेकिन तुम्हारे गुस्से ने उसे भी मार डाला इस अनाथ का जिंदा रहना भी तुम्हें पसंद नहीं था इसलिए सोचा इसे भी मार दूं अरे जंगली जानवर भी दूसरे जानवर को उस वक्त मारते हैं जब उन्हें भूख लगती है लेकिन तुम तो उन्हें ही खत्म करना चाहते हो जो तुमसे प्यार करते हैं मैंने तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया है खुद से भी ज्यादा मार डालो मुझे नहीं जीना मुझे मार डालो मुझे हमारी बेटी को मार दिया ये तुमने क्या किया अब उसके बिना हम कैसे रहेंगे आंखें खोल सिद्धार्थ भैया जी गंगोत्री मिल गई भैया जी मेरी बच्ची बेटा बेटा आंखें खोलो बेटा खोल मेरी बच्ची गंगोत्री देखिए गंगोत्री इसकी सांसें नहीं चल रही अब कुछ नहीं हो सकता क्यों बोल रहा तू मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ बेटी गंगा उठ बच्ची बेटा गंगोत्री इसे कुछ नहीं हुआ
ये होश में आ जाएगी। कॉलम बेटा, इससे कहो, बात करें मुझसे, बात करें मुझसे, इससे बोलो, गंगोत्री, मुझसे बात करो। ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? गंगोत्री ये किस्मत करना। हाँ के खोल ले गंगा। तेरी जिंदगी के लिए ही तो हम यहाँ आकर इतने सालों से गंगा की पूजा करते आए, फिर भी मैं ये नहीं समझ सका कि सिद्धार्थ के साथ तेरी जिंदगी भी बनी हुई है। सिद्धार्थ, आंखें खोल। सिद्धार्थ एक बार मेरी तरफ आंखें खोल के देखना बच्चा, एक बार। कितनों की जिंदगी लेकर भी अपनी बेटी की जिंदगी बचा नहीं सके ना। कुछ तो बोल। सोनमणि उठना। सिद्धार्थ, 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 रुकना मत, रुकना मत। हाँ बजाओ, हाँ बजाओ, बजाओ एक बार बजाओ, जिससे गंगोत्री की जान बची थी। आखिरी बार वो धुन बजा दो सिद्धार्थ, जिससे मेरी गंगोत्री की सांसें चलने लगे। सिद्धार्थ। बेटा, बेटा।